प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय पोलैंड की यात्रा खत्म करने के बाद 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे। पूरे विश्व की नजर आज यूक्रेन पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही कहते आ रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और इन सबके बीच जब रूस और यूक्रेन की तनातनी में पीएम मोदी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुसार यूक्रेन में किया गया। सभी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं मोदी जैसे ही ट्रेन से बाहर आते हैं, वहां पर उनका स्वागत भारतीय लोगों के साथ साथ यूक्रेन के लोग भी हाथ जोड़कर उनके स्वागत में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विश्व में कहीं पर भी जाते हैं, वे अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को नहीं छोड़ते, और आज का भारत विश्व गुरु की पहचान बन गया है। विश्व के हर कोने में भारत के प्रधानमंत्री की आगवानी बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुसार की जाती है। बता दें, यूक्रेन पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हैं। भारतीय समुदाय के अनगिनत लोग, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर कोई शामिल है। बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ पीएम मोदी का हर कोई स्वागत कर रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारतीय समुदाय के हाथ में तिरंगा झंडा है और वह मोदी से बस एक बार हाथ मिला पाए इसकी कोशिश में लगे हैं। पीएम मोदी के लिए ये प्यार वाकई काबिले तारीफ है। बता दें, पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।